राखी सावंत, और सबको बताना चाहती हूँ कि मैं इस साल लोकसभा चुनाव लड़ रही हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ वेस्ट और मैं यहाँ से खड़ी हो रही हूँ। मैं बिल्कुल कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं एक अलग फील्ड से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट की जनता है, जो यहाँ के, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के खड़ा किया और कहा कि आपको हमारे लिए लड़ना है। गंभीर जो ये फैसला है मैंने किया है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने प्राण देकर भी मेरी जनता के लिए, मेरा जो एरिया है, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरे जो लोग हैं यहाँ के, उनके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी उनका हक दिलाने के लिए। देखिए, मैं बीजेपी मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया, और मैंने सिर्फ उनके लिए कि हर चैनल की हमेशा मैं चैनल में रही हूँ, लोग जानते हैं मुझे, तो इसीलिए मुझे पूछा गया था कि आप कौन से चाहती है कि कौन सा पीएम बने, कौन से नेता पीएम बने। तो मेरे वो विचार थे, यहाँ की जनता, पुलिस वाले, खास करके मैं पुलिस की बेटी हूँ, पुलिस वाले जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि मैडम हमने खाकी पहन ली है तो अब हमारी जान नहीं जानी चाहिए, क्या आप हमारे लिए नहीं लड़ेगी, क्या आप हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, कोई हमें पूछता नहीं है, कोई हमें, हमारे लिए कोई कुछ करता नहीं है, आप एक पुलिस वाली की बेटी हो, आप हमारे लिए चुनाव में खड़े रहिए और आप हमारे लिए मांगे, हमारे लिए कुछ करे। पुलिस वालों के लिए कौन है देखने वाला, पुलिस वाले सुबह से शाम तक खाकी वर्दी पहन के खड़े हो जाते हैं सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। हम रात को थक के घर पे जाते हैं, सुबह हो जाती वापस ड्यूटी पे जाते हैं, हमारे बच्चे कब बड़े हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, फिर भी हमें जनता की गालियां मिलती है। मुझे नहीं लगता किसी कॉरपोरेटर के पास जाती है, मुझे नहीं लगता कि किसी एमपी के पास जाती है या किसी एमएलए के पास जाती है, सबसे पहले मेरे पास आती है। बिल्कुल, मैं तो आज भी बीजेपी की इज्जत करती हूँ, राजनाथ सिंह जी की इज्जत करती हूँ, मैं उन सबकी इज्जत करती हूँ। मैं तो इतना ही कहूंगी कि वो समंदर है तो मैं एक छोटी सी नदी हूँ, वो पेड़ है तो मैं एक छोटी सी शाखा हूँ। मैं जनता के लिए लड़ाई करना चाहती हूँ, उनके जो हक है, जो कुछ लोग, कुछ नेता बीच में आके उनका हक छीनना चाहते हैं, वो उन नेता को बताना चाहती हूँ कि अब मैं जनता के तरफ से राखी सावंत आ गई है, तुम सबका जीना मुश्किल कर दूंगी मैं राखी सावंत हूँ। कोई पैराशूट से मुझे आप कोई कहीं फेंक नहीं सकते, है ना, कि पैराशूट से मुझे यहाँ डाल दिया, जो आजकल हर कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। मुझे डेफिनेटली हो रहा था, मुझे टिकट मिल रहा था, लेकिन एक ऐसे गांव से, कलकत्ता के किसी दूर एक गांव है हुबली, हुबली के से भी आगे एक श्रीरामपुर है, मुझे वहां से टिकट मिल रहा था। मैं मुंबई की हूँ, मैं यहाँ की हूँ। मैंने तब डिसाइड किया कि नहीं, मैंने उनका टिकट उनको वापस लौटा दिया। मैं कहूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यहां से खड़ी होंगी, पहले मैं अपना घर साफ करूंगी, बाद में देश। मैं क्यों नाराज रहूंगी, एक बात बताइए, मैं किसी भी पार्टी को गिराने नहीं आई हूँ। मेरा मकसद किसी भी पार्टी को गिराना नहीं है, किसी नेता को गिराना नहीं है। चुनाव का टाइम आता है तो गरीबों के गले लग जाते हैं, गरीबों के घर में बैठ के चाय पी लेते हैं, गरीबों का खाना खा लेते हैं, गरीबों के जुड़े आंसू पोंछते हैं। इनको गरीबों से लेना देना नहीं है, ये नेताओं को, इनको किसी से मतलब नहीं है, जनता से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ वोट मिले, जैसे ये कुर्सी जीत जाते हैं इसके बाद कौन गरीब, कौन अमीर, कौन जनता, कुछ नहीं, सिर्फ अपने मशीन छापते हैं बस, पैसे अंदर जितना कर सके अपने साथ पुष्ट के लिए। यहाँ पे चुनाव 10-10 साल तक सरकार रहती है, लेकिन क्या यहाँ के एमपी जो भी है, क्या वो आए जनता के बीच में एक बार भी अपनी शक्ल दिखाने के लिए? जीतने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ देते हैं। अरे भाई, जनता ने वोट कार्यकर्ताओं को दिए हैं कि आपको दिए हैं? नेता क्यों बनते हैं, नेता क्यों बनते हैं? अपनी कुर्सी को गर्म करने के लिए नहीं बनते नेता, अपने साथ पुष्टों को खिलाने के लिए नेता नहीं बनते हैं। मुझे एक मौका मिले, मैं आपके लिए चौका चक्का मार के दिखाऊंगी। इस दुनिया में जनता कहती है, इस दुनिया में दो ही लोग हैं जो हमें न्याय दिला सकते हैं, हमारा हक दिला सकते हैं, एक है राखी सावंत और दूसरी है मीडिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मराठी भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन, ये सब मेरे साथ है, मेरी सच्चाई के साथ है। ये सब जानते हैं कि मैं हमेशा फाइट करती हूँ और हमेशा गरीब के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए फाइट करती हूँ। कोई गरीब कोई अमीर मेरे लिए ज्यादा महत्व नहीं रखता, मेरे लिए वो महत्व रखता है
उनकी तकलीफ है। मैं उन बॉलीवुड लोगों को कहना चाहती हूँ कि भैया जनता की सेवा के बीच में आप आ तो गए, लेकिन उनको क्या चाहिए, पब्लिक में जाओ तो सही। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहती हूँ, मन से अध्यक्ष राज ठाकरे जी और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी दोनों मेरे भाई है, लेकिन मुझे आज चुनाव में खड़ा करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है उद्धव ठाकरे जी को, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए सपना देखा। उन्होंने एक कहा था मेरे लिए कि राखी सावंत केजरीवाल से बेटर प्रशासन चला सकती है, तो उन्होंने मुझे जगाया है नींद से, तो ये सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। और डेफिनेटली मैंने छोड़ दिया है बॉलीवुड, आपकी राखी सावंत ही आपके लिए लड़ सकती है और आपकी राखी सावंत ही आपके लिए अंतिम प्राण तक, अंतिम क्षण तक आपके हक दिलाने के लिए किसी की भी वाट लगा सकती है। दैट्स इट।